नमस्कार, मैं प्रिया। आज 30 अक्टूबर। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। आज दो विधानसभा की सीटों पर होगा उपचुनाव। बिहार में तैयार हो रहा है इमरजेंसी कोविड रिस्पॉन्स सिस्टम। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लिए ऐसे होगा लाभार्थियों का चयन। बिहार के इन कोचिंग संस्थानों को देना पड़ सकता है जुर्माना। छठ को लेकर जारी हुआ गाइडलाइन। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। आज दो विधानसभा की सीटों पर होगा उपचुनाव। बिहार विधानसभा उपचुनाव को लेकर आज प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होने वाला है, जिसके तहत दो विधानसभा सीटें तारापुर और कुशेश्वर स्थान में मतदान होने वाले हैं। तारापुर विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो कुल 406 बूथों पर वोटिंग होगी, जिसमें 327,242 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। जिला निर्वाचन पदाधिकारी और मुंगेर के डीएम ने मतदान की तैयारियों की पूरी तरह से समीक्षा कर ली है। वहीं बात अगर कुशेश्वर स्थान की करें तो कुशेश्वर स्थान विधानसभा क्षेत्र में कुल 254,999 मतदाता हैं, जिनमें 1,34,072 पुरुष मतदाता और 1,20,926 महिला मतदाता है और एक अन्य मतदाता शामिल है, जिसके लिए 264 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। का मतदाता सूची पुनरीक्षण का काम। अगर आपकी उम्र 18 साल से ज्यादा की हो गई है और आपने अभी तक अपने नाम को मतदाता सूची में नहीं जुड़वाया है तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जल्द ही बिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण का काम शुरू होने वाला है, जिसके तहत अब आप आसानी से अपना नाम सूची में शामिल करवा सकते हैं। इसको लेकर चुनाव आयोग 1 नवम्बर से मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान शुरू करेगा, जिसके तहत इसी दिन राज्य के विधानसभा की मतदाता सूची का ड्राफ्ट प्रकाशित किया जाएगा, जिसके तहत 1 जनवरी 2022 में 18 साल की आयु पूरी करने वाले युवा नए मतदाता बनने के लिए आवेदन कर सकते हैं। ध्यान रहे, इस सूची में नाम शामिल करवाने के लिए आपके पास केवल 30 नवंबर तक का समय है। वहीं 7 से 21 नवंबर तक इसको लेकर सभी जिलाधिकारी विशेष अभियान चलाने वाले हैं। पहचान में हम बात करेंगे कावेरी झा की। कावेरी झा का जन्म बिहार के दरभंगा जिले में 21 मई 1983 को हुआ था। कावेरी झा एक भारतीय मॉडल, फिल्म अभिनेत्री और एयर होस्टेस है, जो हिंदी और तेलुगु भाषा की फिल्मों में काम करती हैं। झा का जन्म बिहार में हुआ था। उनके परिवार को दूसरी जगह जाना पड़ा, क्योंकि उनके पिता एक भारतीय सरकारी कर्मचारी थे। उन्होंने 2005 में मिस इंडिया प्रतियोगिता में सुश्री व्यक्तित्व पुरस्कार जीता। पुरस्कार जीतने के बाद उन्होंने मॉडलिंग शुरू की और कुछ संगीत वीडियो में दिखाई दी। उन्होंने साजिद खान के साथ एक टीवी शो भी होस्ट किया। प्रियदर्शन की भूल भुलैया में एक छोटी भूमिका में दिखाई देने के बाद उन्होंने स्क्रीन पर शाइनी आहूजा की पत्नी की भूमिका निभाते हुए हाईजैक में अपनी हिंदी फिल्म की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने कुछ हिंदी फिल्मों में अभिनय किया, लेकिन यह तेलुगु फिल्में थी जहां उन्होंने बाद में अपनी शुरुआत की थी। तैयार हो रहा है इमरजेंसी कोविड रिस्पॉन्स सिस्टम। बिहार में कोरोना के मामलों में भले ही कमी आ गई हो और वैक्सीन देने का काम भी जोर शोर से किया जा रहा हो, लेकिन अब तक 18 साल तक के युवा ना तो कोरोना से सुरक्षित है, ना ही इनके लिए वैक्सीन आ सकी है। ऐसे में दूसरे राज्यों में बढ़ रहे कोरोना के मामलों के कारण तीसरी लहर की आशंका भी जताई जा रही है। यही कारण है कि बिहार में अभी से ही संभावित तीसरी लहर को लेकर तैयारियां तेज हो गई है, जिसके तहत ही बिहार के विभिन्न अस्पतालों में इमरजेंसी कोविड रिस्पॉन्स सिस्टम बनाए जाने की तैयारी हो रही है। इस इमरजेंसी कोविड रिस्पॉन्स सिस्टम के तहत बिहार में 440 करोड़ के पैकेज से पीडियाट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा। बिहार के इस स्टेशन के कायाकल्प के लिए होगी इतने 1,000 करोड़ आवंटित। बिहार के सभी जिलों में मौजूद प्रमुख स्टेशनों के कायाकल्प को लेकर बिहार सरकार अब तक कई काम कर चुकी है। वहीं अब बिहार सरकार बिहार के एक और जिले में जल्द ही मौजूद स्टेशन का कायाकल्प करने जा रही है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को भंग कर दिया है। साथ ही स्टेशन के कायाकल्प की नीति में बदलाव कर दिया है, जिसके तहत गया जंक्शन पर यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए जल्द ही ओपन टेंडर जारी होने वाला है। टेंडर जारी होने का काम शुरू कर दिया गया है, जिसके बाद गया के अलावा विभिन्न राज्यों के 21 स्टेशनों का कायाकल्प किया जाएगा। इसको लेकर रेल मंत्रालय 12,000 करोड़ रुपए की स्वीकृति देने वाले हैं। जिलों में दिन में साफ रहेगा मौसम, रात को बढ़ेगी ठंड। बिहार के सभी हिस्सों में जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे ही दिन और रात के तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक 2 दिनों में तापमान में गिरावट होने की संभावना है, जिसके तहत शनिवार और रविवार को न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। बिहार की बात करें तो अमूमन भागों में मौसम शुष्क ही है, मगर उत्तर पूर्वी भाग में बसे पूर्णिया जिले में बीते 24 घंटे के दौरान स्थानीय कारणों से छिटपुट बारिश हुई। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हो रही बर्फबारी का असर बिहार में देखने को मिल रहा है, जिस वजह से दिन में कुहासा छाने लगा है। सोनू निगम और
पवन सिंह करेंगे छठ में कमाल। बिहार में जितनी लोकप्रियता छठ पर्व की है उतनी ही लोकप्रियता छठ के गानों की है। इसी बीच पवन सिंह का नाम हो तो बिहार में उनके प्रशंसक भरे पड़े हैं। वहीं पवन सिंह की बात करें तो उनके गाने पर्व त्योहार में चार चांद लगाने का काम करते ही है। वहीं इस बार तो उनके गानों की चर्चा और ज्यादा होने वाली है क्योंकि पवन सिंह के साथ मशहूर सिंगर सोनू निगम भी छठ के गीत में अपनी आवाज देने वाले हैं। इसको लेकर सिंगर सोनू निगम ने अपने इंस्टाग्राम पर पवन सिंह के साथ एक वीडियो साझा की है। इस वीडियो में दोनों लोग बैठे नजर आ रहे हैं। वीडियो के साथ सोनू निगम बताते हैं कि वो पवन सिंह से मिले हैं और उन्होंने गाना शूट किया है। उनका कहना था कि भोजपुरी सीखने में पवन सिंह ने उनकी काफी मदद की है। बिहार में परती रह गई, खेतों पर मिलेगा मुआवजा। बाढ़ के कारण बिहार के कई हिस्सों में खेत परती रह गए हैं। ऐसे में बिहार सरकार सुखाड़ और बाढ़ की स्थिति में किसानों को मुआवजा देती है। अब बिहार सरकार के कृषि विभाग ने राज्य के ऐसे 30 जिलों को चिन्हित किया है जहां अत्यधिक बारिश और बाढ़ के कारण खेतों में फसल नहीं लग पाई है। ऐसे में अब विभाग कृषि इनपुट अनुदान योजना के तहत दी जाने वाली इस मुआवजा राशि को लेकर जिलों को चिन्हित कर लिया गया है। इसके साथ ही कई ऐसे जगह हैं जहां पर किसी अन्य कारणों से भी खेती की जमीन खाली रह गई है या फिर उसे हम परती कह सकते हैं। वैसे परती भूमि जिस पर पिछले 3 साल फसल लगाए गए हों उस खेत के इस साल परती रहने पर मुआवजा मिलेगा। परिजनों से सीधे मिल सकेंगे जेल के बंद कैदी। कोरोना के कारण बिहार के जेलों में बंद कैदियों को परिवारजनों से मिलने की अनुमति नहीं थी। हालांकि अब ऐसा नहीं होने वाला है क्योंकि बिहार के सबसे बड़े जेल बेउर कारागार समेत राज्य की सभी जेलों में बंद कैदी अब अपने परिवारजनों से मुलाकात कर सकेंगे। जेल प्रशासन द्वारा कोरोना काल में लगाई गई रोक को हटाने का फैसला लिया गया है। ज्ञात हो ये फैसला बेउर जेल में बंद कैदियों के विरोध प्रदर्शन और अनशन के बाद लिया गया है। जेल प्रशासन की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार बेउर जेल में बंद सैकड़ों कैदियों ने अपनी मांग को लेकर आंदोलन रवैया अख्तियार कर लिया था और धरने के साथ ही अनशन पर बैठ गए। ये कैदी अपनी मांग को लेकर जेल प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करने लगे। कैदी कोरोना के कारण जेल प्रशासन द्वारा परिवारजनों से फिजिकल मुलाकात पर लगाई गई रोक को हटाने की मांग कर रहे थे। इन पौधों की खेती को बिहार सरकार देगी सब्सिडी। किसान की आमदनी को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार लगातार प्रयासरत रही है। वहीं इसी बीच बिहार सरकार अब औषधीय गुणों और पोषक तत्वों वाली खेती को बढ़ावा देने की कवायद शुरू करने वाली है। इसको लेकर कृषि विभाग जल्द ही योजना के तहत सहजन, रजनीगंधा और मघी पान का रकबा बढ़ाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने वाली है, जिसके तहत सभी जिला कृषि पदाधिकारियों को इस संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं, जिसके तहत अब क्षेत्रफल का मानक तय कर अनुदान पर आने वाले खर्च और भुगतान आदि का निर्धारण कर दिया गया है। इन फसलों की खेती के लिए किसानों को अनुदान भी दिया जाएगा। अब होर्डिंग, बैनर और पोस्टर पर नगर निगम को देना होगा लाइसेंस शुल्क। सशक्त स्थायी समिति की तरफ से लाए गए प्रस्ताव पर नगर निगम ने अपनी सहमति दे दी है, जिसके तहत नगर निगम ने सरकारी और निजी जगहों का विज्ञापन कार्यस्थल के रूप में उपयोग करने पर लाइसेंस शुल्क वसूलने का निर्णय लिया है। यानी कि अब पटना नगर निगम क्षेत्र में होर्डिंग, बैनर या किसी भी तरह के प्रचार के लिए अब सालाना लाइसेंस शुल्क लगेगा। हालांकि इस फैसले पर अभी अंतिम मुहर लगना बाकी है। अंतिम मुहर के लिए नगर विकास एवं आवास विभाग को निगम प्रस्ताव भेजेगा। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि अभी तक नगर निगम विज्ञापन के लिए लाइसेंस देता था, लेकिन अब टैक्स और फीस की जगह शुल्क वसूलेगा। हज 2022 का ऐलान होगा जल्द। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हज 2022 को लेकर तैयारी शुरू कर दी है, जिसके तहत सऊदी हुकूमत के द्वारा तय कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए हज अदायगी की जाएगी। इस बाबत बिहार राज्य हज कमेटी के चेयरमैन हाजी इलियास ने बताया है कि नवंबर के पहले हफ्ते में हज 2022 की घोषणा की जाने की संभावना है, जिसके तहत ही अब हज की घोषणा के साथ ही फॉर्म भरने की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। हज यात्रा को लेकर उन्होंने आगे बताया है कि हज को लेकर तैयारी शुरू कर दी गई है। ऐसे में अब हज पर जाने के ख्वाहिशमंद लोग जिनके पास पासपोर्ट नहीं है, वो बिना देर किए ऑनलाइन पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर दें, जिसके तहत अगर आप भी हज की यात्रा करना चाहते हैं तो बिहार राज्य हज कमेटी के फोन नंबर 0612-220-3315 या फिर 8271-46-3343 या फिर 9693-63-8579 पर संपर्क कर सकते हैं। उद्यमी योजना के लिए ऐसे होगा लाभार्थियों का चयन। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की घोषणा जो बिहार सरकार ने की तो उद्योग की शुरुआत करने वाले उम्मीदवारों को उम्मीद की किरण दिखाई दी, लेकिन परेशानी ये आ गई कि योजना के तहत लोन देने की सीमा केवल 8,000 लोगों को थी, लेकिन आवेदन आए हैं 64,000, जिसके बाद अब लाभार्थियों का चयन सरकार खास अंदाज में करने वाली है, जिसके तहत उद्योग विभाग रैंडम सिस्टम अपनाएगा। क्योंकि आवेदन की शर्त ये नहीं थी कि जो पहले आवेदन करेगा उसे पहले ऋण मिलेगा, इसीलिए तय हुआ कि मतदान में जिस तरह से मतदान कर्मी की ड्यूटी लगाने में रैंडम सिस्टम को उपयोग में लाया जाता है, उसी तरह इन योजनाओं के लाभार्थियों का चयन कर लिया जाए। छठ को लेकर जारी हुआ गाइडलाइन।
बिहार में छठ पूजा को लेकर अभी से ही तैयारियों का सिलसिला शुरू हो गया है। इसी बीच छठ महापर्व को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी गई है, जिसके तहत दिवाली से लेकर छठ तक टेस्टिंग और वैक्सीनेशन पर विशेष फोकस किया जाएगा। छठ के दौरान गंगा में डुबकी लगाने पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, छोटे बच्चों को घाट पर जाने से रोका जा सकता है, बड़े लोगों के लिए मास्क का नियम प्रभावी रहेगा और घाट पर लोगों से सोशल डिस्टेंस के नियम का पालन करने को लेकर दबाव होगा। व्रतियों को भी उपासना के साथ बचाव को लेकर सोशल डिस्टेंस में अर्घ देने का नियम होगा, क्योंकि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। ये फेस्टिवल सीजन में हर किसी को पूरी तरह से याद रखना होगा। दिल्ली से पटना के बीच एसी ट्रेन का सस्ते में करिए सफर। नई दिल्ली से पटना के बीच अब एसी ट्रेन का सफर सस्ते दाम में करना संभव होने वाला है, क्योंकि रेलवे ने पहली बार गति शक्ति एक्सप्रेस चलाने का निर्णय लिया है, जो कि दिल्ली के आनंद विहार से पटना जंक्शन के बीच चलेगी, जिसका परिचालन बीते दिन से शुरू हो गया है। वही आज ये ट्रेन पटना पहुंचने वाली है। भारतीय रेल के एक वरीय अधिकारी की माने तो गति शक्ति एक्सप्रेस पूरी तरह एयर कंडीशन होगी। इसकी सभी कोच एसी 3 श्रेणी में होंगे। जानकारों की माने तो दिल्ली से पटना के बीच बर्फ के दिनों में ट्रेनों में भीड़ काफी बढ़ जाती है। आपको ये भी बता दें कि गति शक्ति एक्सप्रेस के सभी एसी 3 कोच का निर्माण कुपरथला रेलवे कोच फैक्ट्री में। कटिहार जिले के त्रिमोहिनी संगम में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। बिहार के कटिहार जिले के अंतर्गत कुर्सेला प्रखंड के कटरिया गांव के NH 31 से रास्ता त्रिमोहिनी संगम की तरफ जाती है। प्रकृति की अनुपम दृश्य देखने को मिलता है। यहां 3 नदियों का संगम है, जिसमें प्रमुख रूप से गंगा और कोसी का मिलान है। त्रिमोहिनी संगम भारत की सबसे बड़ी उत्तरायण गंगा का संगम है। गंगा नदी दक्षिण से उत्तर दिशा में प्रवाहित होती है, सूर्योदय से ही उत्तर दिशा में प्रवाहित होती है। सूर्योदय की किरणें सीधे गंगा की लहरों पर पड़ती है, जिससे प्रकृति का अनुपम दृश्य उपस्थित हो जाता है। कल बलैया नदी की एक छोटी धारा इस उत्तरवाहिनी गंगा तट से मिलकर संगम करती है। टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज के विद्यार्थी नहीं कर सकेंगे प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी। बिहार के डीएलएड और बीएड ट्रेनिंग कॉलेज और विद्यार्थियों के लिए अहम सूचना। टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज के विद्यार्थियों को अब प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए कोचिंग करने की अनुमति नहीं मिलने वाली है। इसके लिए उनसे लिखित में लिया जाएगा। अगर वो ऐसा करते हैं तो परीक्षा फॉर्म भरने से वंचित कर दिया जाएगा। शिक्षा विभाग ने इसको लेकर एक विशेष गाइडलाइन भी बना दी है। शोध और प्रशिक्षण निदेशक डॉ. विनोदानंद झा के बयान के अनुसार इस आशय के दिशा निर्देश प्रदेश के माध्यमिक प्राथमिक क्षेत्रीय उप शिक्षा निदेशक और जिला शिक्षा अधिकारियों से कह दिया गया है। साथ ही विद्यार्थियों से भी साफ कहा गया है कि वो अनिवार्य तौर पर क्लास करें। फुल टाइम टीचिंग कोर्स होने की वजह से इस दौरान वो कोई दूसरी पढ़ाई नहीं कर सकेंगे। इंडिगो परिवार की तरफ से भोजपुरी में हुआ विमान में स्वागत। अक्सर जब भी आपने विमान में सफर किया होगा तो आपका स्वागत हिंदी या अंग्रेजी में हुआ होगा, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है जब विमान में लोगों का अभिनंदन भोजपुरी भाषा में किया गया है। और यह हुआ है पटना से दिल्ली जा रही इंडिगो की फ्लाइट में, जिसके बाद अपनी बोली में स्वागत सुन लोग खुश भी हुए। फ्लाइट के अंदर का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। फ्लाइट के अंदर भोजपुरी का ये अनाउंसमेंट बिहार और यूपी के लोगों की जमकर प्रतिक्रियाएं भी आ रही है। भोजपुरी में ब्रीफिंग को यात्रियों ने सराहनीय पहल बताया है। बिहार के इन कोचिंग संस्थानों को देना पड़ सकता है जुर्माना। बिहार के मान्यता प्राप्त कोचिंग संस्थानों के छात्र छात्राओं का ब्यौरा बिहार करियर पोर्टल ऐप पर अपलोड करना अनिवार्य कर दिया गया है, जिससे कि एक डाटा बैंक बनेगा। जो कि कोचिंग संस्थान निबंधित नहीं है, उन संस्थानों का निबंधन बिहार कोचिंग संस्थान 2010 एक्ट के तहत आवश्यक है। कोचिंग संस्थान के प्रबंधक और निदेशक से कहा गया है कि कोचिंग संस्थानों में वैसे छात्र छात्रा जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से पंजीकृत है, उनका बिहार करियर पोर्टल ऐप पर लॉगिन करवाया जाए। इसके अलावा चालू वित्त वर्ष में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के साथ साथ उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय और इंटर कॉलेज के लिए पंजीकृत विद्यार्थियों के लिए पोर्टल ऐप पर अपलोड करने का निर्देश दे दिया गया। तेजस्वी तेज प्रताप के झगड़े पर लालू परिवार की आई पहली सफाई। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव इन दिनों पटना में हैं, जिसके बाद से ही वो बिहार की राजनीति में काफी ज्यादा एक्टिव नजर आ रहे हैं। हालांकि इन सबके बीच उनके दोनों बेटे भी सुर्खियां बटोर रहे हैं, जिसको लेकर अब लालू प्रसाद यादव ने बीते दिन अपनी सफाई पेश की है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव के बीच में कोई विवाद नहीं है। तेजस्वी और तेज प्रताप में बैठकर बातचीत भी हुई है। दोनों हमारे बेटे हैं, आने के बाद सबको इकट्ठा किया गया है। दोनों भाई एक साथ है, सब परिवार एक साथ है। बेटे के साथ भाजपा के कुछ लोग रहते हैं, वो गुमराह करते रहते हैं। वहीं उन्होंने भक्त चरणदास को भक्त चोनर कहे जाने पर कहा कि ये कोई विवादित शब्द नहीं है जिसका इतना मुद्दा बनाया गया।
उल्लू का शौक पालने वाले हो जाए सावधान। अक्सर दिवाली के मौके पर उल्लू का शौक पालने वालों की संख्या भारी मात्रा में देखने को मिलती है। हालांकि अब ऐसे लोगों की तलाश में बिहार सरकार जुट गई है, जिसके तहत सरकार ने सभी डीएम और एसपी को इस बाबत अलर्ट जारी किया है। साथ ही ये भी साफ कहा है कि अगर इस दिवाली कोई भी व्यक्ति उल्लू के साथ पकड़ा गया तो उन पर कार्रवाई होना तय है। साथ ही ऐसे लोगों को 3 साल की सजा भी हो सकती है। पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने इस संबंध में सभी जिलों के डीएम एसपी को अलर्ट भेजा है। इसकी वजह यह है कि दीपावली के समय उल्लू से संबंधित काफी कुप्रथाएं चलती आ रही हैं। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। भारत का पहला 5 सितारा होटल अशोक 1956 में खुला। भारत संयुक्त राष्ट्र में 1945 को शामिल हुआ। असम की राजधानी गुवाहाटी और 13 अन्य स्थानों पर 2008 में श्रेणीबद्ध हमले हुए थे। इसमें 66 से अधिक लोगों की जान चली गई थी। स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर और जयपुर ने 2008 में फिक्स डिपॉजिट की ब्याज दरों में 1% की कमी आज के दिन से की थी। प्रसिद्ध वैज्ञानिक होमी जहांगीर भाभा का जन्म 1909 में आज के दिन हुआ था। बंगाल के लोकप्रिय उपन्यासकार सुकुमार रे का जन्म 1887 में आज के दिन हुआ था। महान चिंतक और समाज सुधारक स्वामी दयानंद सरस्वती का निधन 1883 में आज के दिन हुआ था। प्रसिद्ध गजल और ठुमरी गायिका बेगम अख्तर का निधन 1974 में आज के दिन हुआ था। गावस्कर ने T20 वर्ल्ड कप के 2 फाइनलिस्ट के नाम का किया साझा। ICC T20 वर्ल्ड कप 2021 में इस समय कौन सी 2 टीम फाइनलिस्ट लग रही है, इसका खुलासा पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर ने किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि ICC T20 वर्ल्ड कप 2021 में 2 मैच खेलकर दोनों में जीत हासिल कर इंग्लैंड और पाकिस्तान की टीमें अपने अपने ग्रुप की अंक तालिका में मजबूत स्थिति में हैं। उनकी जीत के अंतर ने दोनों टीमों के बीच नेट रन रेट को भी अच्छी स्थिति में ला दिया है। खेल के इस प्रारूप के हिसाब से दोनों टीमें काफी संतुलित नजर आ रही हैं। मौजूदा फॉर्म को देखें तो यही दोनों टीमें इस समय फाइनलिस्ट के तौर पर नजर आ रही है। फेसबुक ने इस कारण से बदला अपना नाम। फेसबुक के सीईओ मार्क जकरबर्ग ने अपने प्लेटफॉर्म के नए नाम का ऐलान कर दिया है। यह स्पेस वर्चुअल रियलिटी तकनीक पर आधारित है। मार्क जकरबर्ग का कहना है कि मेटावर्स के आने से यूजर को बहुत फायदा होगा। इससे यूजर को पेरेंटल कंट्रोल जैसे कि लेटेस्ट फीचर्स का सपोर्ट दिया जाएगा। फेसबुक ने मेटावर्स के कारण अपना नाम बदला है। मेटावर्स की बात करें तो यह वर्चुअल कंप्यूटर जनरेट स्पेस है। यहां पर यूजर एक दूसरे के साथ आसानी से जुड़े रह सकते हैं। यह स्पेस वर्चुअल रियलिटी तकनीक पर आधारित है। मार्क जकरबर्ग का कहना है कि मेटावर्स के आने से यूजर को बहुत फायदा होगा। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 28 अक्टूबर को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 46,310 रुपए था। वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 49,580 रुपए था। इसके साथ ही अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 65,000 रुपए था। इसके साथ ही राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 112.42 रुपए प्रति लीटर और डीजल के दाम 104 रुपए प्रति लीटर थे। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है पृथ्वीराज, अजय कुमार, माहियानंद, अजय पासवान, राजेश सोंथियाल, रिया वर्मा, श्वेता रॉय प्रदीप, सचिन कुमार, मुनचुन कुमार, संतोष कुमार, उपेंद्र कुमार, रघुनाथ प्रसाद, सतीश आजाद, माहियानंद, नुन्नू कुमार, प्रवीण कुमार, अनवर करीम खान, विकास कुमार सिंह। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार बिहार के प्रमुख त्योहारों में से आपका सबसे पसंदीदा त्योहार कौन सा है? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।